हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पारा लीगल स्टडी बी पी एस सी वन जीरो थ्री उसकी यूनिट फोर हम देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सो काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है आप ध्यान से सुने सबसे पहले देखो आप क्वेश्चन की फॉर्म में थोड़ा चीज़ों को समझना स्टार्ट करो सबसे पहले तो क्योंकि उसी से आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होंगे तो आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में ही आने चाहिए कि वट वट इज मीन बाई इक्वैलिटी सबसे पहले फर्स्ट थिंग द सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वैलिटी अराइज एंड द थर्ड थिंग इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वैलिटी अराइज ठीक है कि इक्वलिटी का मतलब क्या है और कहाँ से अराइज़ हुआ फ्रॉम वेयर और क्यों है ना तो ये कुछ चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए तो अगर सिंपल से हम डेफिनेशन की बात करें इक्वालिटी इक्वलिटी का मतलब ही क्या है इक्वालिटी मीन्स ऑल पर्सनस आर इक्वल ठीक है बाई नेचर मीन्स गॉड जो है उन्होंने सभी को इक्वल बनाया है तो बाई बर्थ ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल ठीक है ये नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है एक सिंपल से डेफिनेशन हुई फिर दूसरा है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है अराइज़ कहाँ से हुआ तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी अराइज फ्रॉम द यूरोपियन सोसाइटी ठीक है अब आता है कि वाई वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटी अराइज फ्रॉम द यूरोपियन तो उसमें हमें समझना होगा कि ड्यूरिंग द सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी क्या था यूरोपियन सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थी द यूरोपियन सोसाइटी वॉज़ फ्रेगमेंटेड एंड द यूरोपियन सोसाइटी वॉज़ रूल्ड बाई द चर्च अथॉरिटी और मोनर वर्ग इनके द्वारा पूरी सोसाइटी जो है उसको रूल किया जाता था तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो उसमें इनक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी तो वहाँ पे फिर क्या होता है दो मेजर टू हिस्टोरिकल इवेंट अराइज़ होते हैं यूरोप में द फर्स्ट इज़ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन द सेवनटीन एटी नाइन एंड द सेकेंड इज़ अमेरिकन सिविल वॉर तो ये जो दो इवेंट हैं ये सबसे बड़े इवेंट थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को अरइज़ किया या यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी अरइज़ होता है ठीक है दूसरा अगर हम बात करें आगे की जो वूमेन के जो मूवमेंट्स थे वो भी फिर स्टार्ट हुए यूरोप में ही और उन्होंने भी डिमांड की कि भई हमें इक्वल ट्रीट किया जाए मेल के क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में ही कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है हमेशा से ही सिंस एंसेंट टाइम से हम हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली ऑल सोसाइटीज़ वर बेस्ड ऑन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी सो वुमेन जो uh, जो स्टार्ट हुए वुमेन मूवमेंट वो इन्हीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अगेंस्ट में डिमांड को लेके वो स्टार्ट हुए थे ठीक है तो द तो, वुमेन तो का जो मूवमेंट है ये भी इक्वेलिटी कॉन्सेप्ट को इमर्ज करने में एक इम्पोर्टेंट इवेंट uh, है ठीक है तो ये सिंपल सी हमने डेफिनेशन के फॉर्म में किया कि कैसे उसका मतलब है कहाँ से वो राइज होता है क्यों हुआ ये सारी चीज़ें एक और चीज़ जब आप आंसर लिखेंगे ना तो आपको ये सारी टर्म्स जो है ना जैसे जो मैंने आपको बताई है तो प्रॉपर एक सीकवेंस में आपका चलना चाहिए आंसर क्योंकि आप देखो स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो अभी आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हो ठीक है कल को आप मास्टर्स करोगे किसी और यूपीएससी की कई सारे लोग तैयारी करेंगे या कोई लेक्चरर बनेगा कोई और अच्छी अच्छी जगहों पे आप जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द राइटिंग आपकी जो राइटिंग है ना द वे टू एक्सप्रेस या द वे टू राइट द थिंग्स वो सबसे मेन रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी जर्नी में ठीक है तो सिंपल सा मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी राइटिंग को आप इम्प्रूव करिए और इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करिए और ये अगर करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आपकी इजी हो जाएंगी ठीक है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वालिटी सो सबसे पहले है फॉर्मल इक्वालिटी फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब ही क्या है कि ऑल मैन आर या ऑल ह्यूमंस आर इक्वल बाय नेचर और बाय गॉड और बाय बर्थ ठीक है तो ये सिंपल मतलब हुआ फॉर्मल इक्वालिटी का सो द स्पोर्टर ऑफ द फॉर्मल इक्वालिटी आर जॉन लॉक एंड इम्यूनल कंथ

ठीक है तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि फॉर्मल इक्वालिटी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लीगल इक्वालिटी अब आते हैं कि मार्क्सिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग फॉर्मल इक्वालिटी क्या है तो देखो आपको पता होगा आपने थ्योरी में भी पढ़ा है और आपने नहीं पढ़ा है तो थ्योरी के प्रॉपर वो पूरा बी पी एस सी वन जीरो वन जो कोर्स है वो मैं करा चुका हूँ तो आप उसको देख सकते हैं तो वहाँ पे मार्क्सिस्ट थ्योरी में हमने देखा था कि मार्क्स जो है ना वो क्या कहते हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अगेंस्ट हैं ठीक है और जो मार्क्स का जो मेन जो उनका ड्रीम है वो क्या है कि सोसाइटी में वेल्थ जो है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना मिस जो वेल्थ है वो एक पर्सन या कुछ इंडिविजुअल के हाथ में ना हो कि सभी लोगों के हाथों में इक्वली पहुंचे और इक्वली लेबर जो है या जैसे हम बात करें कि एक आ, मालिक होता है और लेबर तो उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं ना प्रोलिटरेट और बुर्जुआ जो टर्म उन्होंने यूज़ की हैं तो उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सो द मीनिंग ऑफ फॉर्मल इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट और अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इज़ मार्केट इक्वलिटी ठीक है इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें दूसरा ये एक एग्लीटेरियन वर्ड होता है एग्लिटेरियंस जो टर्म से इसका मतलब है कि ऑल ह्यूमन्स आर ट्रीटेड इक्वल तो एग्लिटेरियन आप जरूर ध्यान रखें कि कहीं पे भी ये टर्म आती है पाँच नंबर में भी लिखना क्योंकि इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट ये यूनिट है ही तो उसमें अगर स्पेशली उसमें लिखा हो फाइव मार्क्स के लिए कि वट ड्यू मीन बाई ऐसे जब शॉर्ट नोट होते हैं तो उसमें एग्लीटेरियन जो टर्म्स है उसका मतलब भी है कि ऑल ह्यूम्स बींग्स आर क्रिएट ट्रीट इक्वली और क्रिएटेड इक्वली एंड ऑल मस्ट हैव द इक्वल राइट तो ये ये एग्लीटेरियन जो वर्ड्स हैं इसका भी आप ध्यान रखें तो यहाँ पे देखो फिर से वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही कि आप जब आंसर लिखते हैं ना तो सारी टर्म्स आपकी आनी चाहिए ये एग्लिटेरियंस मार्केट इक्वलिटी ठीक है लीगल इक्वलिटी और ये सारे थिंकर्स के नाम और दूसरा इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने इस चीज़ों पर वर्क नहीं किया ना तो आप सच में आप पास जरूर हो जाएंगे लेकिन आप भूल जाएँ कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे से होने वाला है क्योंकि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहीं पे भी आप सिविल सर्विस आप छोड़ो आप सिविल सर्विस तो मैं बड़ी बात बोल दी आप एक चीज़ बताइए आप कहीं पर भी कल को किसी को फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है इवन आप किसी भी पोस्ट पे हैं तो वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशंस लिखनी होंगी आपको रिपोर्ट बनानी होंगी ठीक है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो राइटिंग जो पार्ट है ना वो जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा और सबसे बड़ी बात टू द पॉइंट होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा ठीक है तो इस पर ज़रूर मतलब आपको ध्यान देना चाहिए तो फॉर्मल इक्वालिटी हमने देखा नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसका मतलब ही क्या है इसका मतलब है देखो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा सिंपल सी बात है यह आपने मूवी अगर देखी हो सुपर थर्टी जो थी तो उसमें एक वो डायलॉग भी है ना कि वो समय गया अब कि राजा का राजा राजा का बेटा ही राजा बनेगा मतलब मिस पहले क्या होता था यूरोपियन सोसाइटी में भी और सेम अगर हम बात करें इन इंडियन सोसाइटीज़ में भी हरार के लोडर पर चीज़ें चलती थी ठीक है तो वो ना होके इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या कहती है कि uh, जो पर्सनल uh, लेवल पे मिन सेल्फ डेवलपमेंट की बात uh, करते हैं इसमें और इसका मतलब भी है कि जो प्रमोशन है uh, और जो Uh, जो टैलेंट है वो शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी तो ऐसा ना हो कि भाई किसी के फादर रिच हैं या कोई अच्छी पोजीशन पे है तो वही आगे बढ़े नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट द इट इट मेनली डिपेंड ऑन द सेल्फ डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी और यहाँ पे एक और चीज़ हमारा जो डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें स्पेशली इस चीज़ पर मैंशन किया गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे लोगों को बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी फूड और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करे ताकि हर कोई अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपने जो एबिलिटी जो हैं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कर सकें और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका फ़ायदा उठा सकें सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी आप ध्यान रखें नेक्स्ट uh, है इक्वलिटी ऑफ आउटकम इसका क्या मतलब है ये अगर हम सबसे इक्वलिटी ऑफ आउटकम के जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं वो कौन हैं मार्क्स हैं तो इनके अकॉर्डिंग क्या मतलब है इनका मतलब है कि इट मीन्स दैट मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड लुक एट द आउटकम मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपका जो मेन टारगेट है वो रिज़ल्ट पे होना चाहिए मीन्स आउटकम पे ठीक है एक तो ये भी कहने का तरीका है दूसरा मान लो मैं कहूँ कि नहीं आपका जो मेन जो फोकस है वो प्रोसेस पे होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू करें रिज़ल्ट की परवाह ना करें तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ आउटकम का मतलब भी है कि एट द एंड लेवल पे है ना एट द फाइनल लेवल पे जाके सभी इक्वल हो जाएंगे तो ये स्टार्टिंग की बात नहीं करते ये बात करते हैं टू लुक एट द आउटकम जो फाइनल में जो रिजल्ट आएगा तो इक्वेलिटी ऑफ आउटकम के जो सबसे बड़े supporter अगर हम बात करें जो इस चीज इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं वो मार्क्स हैं तो मार्क्स ने क्या कहा है मार्क्स ने यही कहा है कि अभी क्या है आप क्रांति करो रिवोल्यूशन की वो बात करते हैं ठीक है वो कहते हैं कि capitalist economy है उसको तबाह करो उसको ख़त्म करो ठीक है और क्रांति करो उसके लिए और फिर बाद में क्या होगा जब ये कैपलिस्ट इकनॉमी जो है पूरी ख़त्म हो जाएगी तो सोसाइटी क्या बनेगा सोसाइटी में सोशलिज़म आएगा और कम्युनिज्म आप कह सकते हो कि वहाँ पे सभी लोग इक्वल होंगे और वेल्थ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी सो so ये आप इसमें थोड़ा ध्यान रखें इक्वलिटी ऑफ आउटकम में फिर हयाक जो है ये थिंकर ये भी सेम इसी आ, ये क्या बोलते हैं एक्चुअल में ये कहते हैं कि पीपल बींग वेरी डिफरेंट हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड गोल सो अगर हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे तो वो विच uh, और रिज़ल्ट इन टू द इनक्वालिटी मीन्स बात यहाँ पे क्या है सिंपल सी अगर हम बात करें तो जो मार्क्सिस्ट जैसे जो थिंकर मीन्स मार्क्स और हैक जैसे जो थिंकर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग पे ना हमें जोर दे के हमें फाइनल जो है हमें एक एक प्रॉपर टारगेट सेट करना होगा कि अगर हम इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो वहाँ पे जाके फिर इक्वालिटी आएगी और वो इक्वालिटी सही मायने में बेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वालिटी होगी ठीक है तो ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी तो देखो अगर सिंपल से हम बात करें कि जो इक्वालिटी जो टर्म्स है उसको हम मैथेमेटिकल आइडिया की तरह मीन्स टू प्लस टू इक्वल टू फोर ऐसे नहीं बोल सकते इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सबसे पहले तो क्या है सबसे पहला है एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू सेटिसफाई सम बेसिक नीड ये इक्वालिटी का मतलब है है ना तो इक्वलिटी uh, के वेरियस उसके प्रिंसिपल्स हैं लेकिन सबसे बेसिक अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो वो है बेसिक नीड का फुलफ़िल होना द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बेसिक नीड और ये मैंने आपको बताया कि हमारा जो डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो इसी चीज़ पर जोर देता है कि स्टेट uh, की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी को कुछ बेसिक नीड्स जो हैं जैसे एजुकेशन और फूड शेल्टर वाटर ठीक है ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराए और ताकि लोग उसको अपनी अपॉर्चुनिटी जो है उसका फ़ायदा उठा के फिर वो अपने गोल को अचीव कर सकें तो एक तो ये बेसिक नीड को सेटिस्फाई करना एक प्रिंसिपल हुआ दूसरा है कि इक्वल रिस्पेक्ट में सेकंड प्रिंसिपल जो है इक्वलिटी का वो क्या है इक्वल रिस्पेक्ट कि सभी जो हैं उसको इक्वल रिस्पेक्ट क्योंकि देखो हर कोई आपने भी ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपकी आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है आपको कोई गाली देता है या बिना बात के टोकता है तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता है ना तो इक्वल रिस्पेक्ट जो है ये सेकेंड प्रिंसिपल है और uh, थर्ड जो प्रिंसिपल है वो क्या है पोलिटिकल इक्वालिटी पोलिटिकल इक्वलिटी का जो मतलब है जस्ट uh, मिनट पॉलिटिकल जो इक्वलिटी का मतलब है वो क्या है कि सिर्फ लोगों को ऐसा नहीं है कि आप राइट टू वोट का अधिकार दे दो नहीं इतना ही नहीं है मीन्स पार्टिसिपेशन जो है वो होना चाहिए लोगों को विजिलेंट होना चाहिए मीन्स द पीपल और द सिटीजन शुड बी विजिलेंट एंड शुड बी एक्टिव शुड बी इंगेज इन डे टू डे लाइफ और एक्टिविटी ऑफ द पॉलिटिक्स तो ये सब चीज़ें होंगी वो कब होंगी वो तभी होंगी जब पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी मीन्स लोगों को जब इक्वल राइट टू वोट का अधिकार मिलेगा और इसके साथ राइट टू वोट के साथ उनको इक्वल पार्टिसिपेशन का उनको जैसे आ, 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 असेंबली करने का उनको अपनी बात रखने का ठीक है इसके अलावा पीसफुली प्रोटेस्ट करने का मतलब ये सभी राइट जब आप दोगे तभी सही मायने में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा अगर मान लो चाइना में हम बात करें कि वहाँ पर पोलिटिकल इक्वालिटी नहीं है ठीक है तो अब पोलिटिकल इक्वलिटी ही नहीं है तो फिर और इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं बनता तो ये जो वेरियस टाइप के हमने प्रिंसिपल्स देखे उसमें मीन्स ये ये कुछ प्रिंसिपल्स तो होने ही होने चाहिए कहने का मतलब बात ये कहना चाह रहा है ये कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द बेसिक नीड और इक्वल रिस्पेक्ट और द पॉलिटिकल इक्वालिटी, दीज आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्वालिटी। नेक्स्ट है सम आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इक्वालिटी, तो इसमें आप ये कुछ थिंक का ध्यान रखें कि हयाक फ्राइडमैन एंड नोजिक ये जो हैं ये मानते हैं कि जो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ठीक है या फिर सिंपल से हम बात करें द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज अगेंस्ट द फ्रीडम तो ये तीनों जो थिंकर हैं इन ये एक चीज़ पे ये मानते हैं कि अगर हम इक्वालिटी की देखो इस चीज़ को ना आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है ये बुक में आपके लिखा है आप समझ जाएँगे मेन uh, चीज़ आप समझो थोड़ा सा कि uh, हो क्या रहा है ना कि इक्वालिटी जो होती है तो इक्वालिटी कॉन्सेप्ट ये मानता है कि सभी इक्वल हैं लेकिन ये जो थिंकर हैं ना हयाक फ्राइडमैन नोजिक ये कहते हैं कि नहीं सभी इक्वल नहीं है हर एक इंसान में टैलेंट अलग है स्किल अलग है ठीक है तो यहाँ पे मामला यही है कि अगर हम मान लो हम सभी को इक्वल ट्रीट करेंगे तो जो टैलेंटेड है ठीक है मीन्स आप एक पर्स अब क्रिकेटर में ही ले लो आप क्रिकेट में विराट कोहली जो हैं वो कितने बेस्ट मतलब हम कह सक रहे हैं कितने अच्छे बैट्समैन हैं ठीक है धोनी थे विराट कोहली सचिन तेंदुलकर तो ये क्या है क्योंकि इन्होंने हार्ड वर्क किया आप ये भी तो देखो ना तो हार्ड वर्क है इनकी अपनी मेहनत है ठीक है इनका अपना डिसिप्लिन है लाइफ में तो अगर हम इनको सबके साथ इक्वली ट्रीट करेंगे एक कॉमन क्रिकेटर के साथ भी तो ये सही नहीं है है ना तो सेम वे यही कहना चाह रहे हैं ये कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी है वो सही नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी कहीं ना कहीं फिर आगे चल के फ्रीडम जो है उसको उसके सामने ऑब्स्टिकल बनता है ये ये कहना चाह रहे हैं ठीक है और यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि इक्वल होना चाहिए ठीक है बट वो बेसिक लेवल की इक्वलिटी की बात करते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि जैसे मार्क्स ने जो बोला था कि सभी लोग इक्वल हों और सोसाइटी ऐसी हो जहाँ पे इक्वल ही तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट है वो कह रहे हैं नहीं कि हर एक में कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ ये सब अलग होता है तो हर एक को आ, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको वो डिज़र्व भी करता है अगर वो कुछ बेटर करता है तो फिर बेटर रिज़ल्ट और बेटर जो उसको सुविधाएं मिलती हैं उसको वो डिजर्व करता है ठीक है तो ये सिंपल सा है सम आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द इक्वलिटी नेक्स्ट uh, है लिबरल जस्टिफिकेशन ऑफ इनलिटी ध्यान से देखो लिबरल जस्टिफिकेशन ऑफ इनवलिटी का मतलब क्या है कि लिबरल जो थिंकर हैं लिबरल थिंकर आपको पता ही है वैसे तो ये मानते हैं लिबरल जो थिंकर हैं ये लिबरल थ्योरी भी हमने पढ़ी है आ, आप इसको चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं बीपीएससी जो 101 है वहाँ पे लिबरल आइडियोलॉजी भी है तो वो भी क्या करते हैं वो कहते हैं सेम कि इनवैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं सही है और उनका सेम यही मानना है कि हर एक जो पर्सन है उसमें अलग टैलेंट होता है और हर एक में अलग कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ होती है और आप हर किसी को इक्वल बना भी नहीं सकते तो इनक्वेलिटी जो है मीन समाज में जो असमानताएँ हैं उसको जस्टिफिकेशन करते हैं और उनका यही मानना है कि नहीं समाज जो है उसमें इनक्वैलिटी तो हमेशा से रही है और आगे भी रहेंगी ठीक है और इसके अलावा ये लोग यही बात करते हैं कि जो क्राइटेरिया है मीन्स इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली स्किल के आधार पे है और स्किल और आपकी जो एबिलिटी जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप कितना आगे जाएंगे है ना तो यहाँ पे ये यह जो सिंपल uh, से हम बात करें कि लिबरल जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती है इनक्वेलिटी को और वो यही मानते हैं कि Uh, एक और चीज़ अगर आपको ध्यान आप क्रिटिसाइज भी जब कर रहे हैं मतलब ऐसा आ जाए कि क्या लिबरल जो हैं इज लिबरल अगेंस्ट द इक्वेलिटी लो एक क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखेंगे नो द लिबरल्स आर नोट अगेंस्ट द इक्वेलिटी बट येस दे जस्टिफाई द इनक्वलिटी मीन्स वो इक्वेलिटी समानता जो है उसके अगेंस्ट में नहीं है हाँ लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी मानना है कि सोसाइटी में इनक्वलिटीज़ जो हैं वो रहेंगी और वो इसीलिए रहेंगी आ, क्योंकि समाज में हर कोई पर्सन इक्वल नहीं है आ, हर किसी में टैलेंट अलग है या सिंपल यहाँ पे टैलेंट को भी आप मत जोड़ो बात है यहाँ हार्ड हार्डवर्क और डिसिप्लिन की भैया आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो अभी हम लेक्चर सुन रहे हैं तो आप सभी में से जरूरी थोड़ी ना कि आप सभी के सभी उतना ही मेहनत करें या अपना बेस्ट दें ऐसा तो नहीं है कुछ शायद लोग हैं कम मेहनत करने वाले होंगे कुछ लोग हैं जैसे जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे तो ये आपकी पर्सनल आपकी जो स्ट्रेंथ है आपकी जो कैपेबिलिटी है कितना आप पेशेंस आप में कितना आप हार्डवर्किंग हैं कितना डिसिप्लिन आप में है ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी और उसी आधार पे फिर कल को आप लाइफ में जो अपने ड्रीम्स है उसको अचीव करोगे ठीक है ना तो लिबरल यही है लिबरल का यही मानना है कि इक्वालिटी जो है वो बिल्कुल समाज में होनी चाहिए पर वो बेसिक जो नीड की हमने जो बात की थी वो वहां तक इक्वालिटी की बात करते हैं ठीक है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी वो बात करते हैं बट आउटकम के बारे में वो नहीं कहते वो ऐसा नहीं मानते कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम होना चाहिए जैसे मार्क्स ने बोला था तो वो ऐसी सोसाइटी की कामना बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग के लेवल पे वो जरूर कह रहे हैं कि सभी को बेसिक नीड्स मिले सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले बट फिर बाद में वो उन, उनका यही कहना है कि जब अपॉर्चुनिटी आपने दे दी स्टार्टिंग में आपने इक्वल नीड्स को फुलफ़िल कर दिया तो फिर अब अब भी अगर आप पीछे रहते हैं तो ये आपकी कमी है ना है ना तो ये मतलब इस तरीके से जस्टिफिकेशन कर रहे हैं लिबरल थिंकर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें नेक्स्ट है कि इक्वलिटी और फेमनिज़म को अगर हम एसोसिएटेड करें तो फेमनिज़म जो कॉन्सेप्ट है वो जेंडर जो लेंस है मीन्स जेंडर के चश्मे से ये इक्वालिटी को देखते हैं और ये यही कहते हैं कि जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस हैं ठीक है या फिर रोल अगर हम बात करें सोसाइटी में आज भी वो कंस्ट्रक्टेड बनाए गए हैं मतलब मेल डोमिनेटेड वर्क जो हैं वो ज़्यादा हैं या सोसाइटी में ये एक धारणा बना दिया गया है एक एजेंप्शन बना दिया है गया है कि मेल जो है वो पावरफुल होते हैं ठीक है सो so ये उस अगेंस्ट मतलब जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अगेंस्ट में फेमिनिस्ट जो हैं वो इक्वालिटी की डिमांड करते हैं तो सिंपल सी है कभी भी जो फेमिनिस्ट अगर आपको वर्ड दिखाई दे जाए ना तो सिंपल सी बात है ये इशू ऑफ इक्वालिटी का जो बात करते हैं वो जेंडर के थ्रू मीन्स मेल uh, और फीमेल जो जेंडर है ना तो उसको इक्वल uh, ट्रीट करने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हर जगह वुमेन जो है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए नेक्स्ट है इक्वल इक्वलिटी एंड लिबर्टी तो यहाँ पे दो व्यू हैं सबसे पहले तो सेम अगर हम बात करें जो वही फ्राइडमैन नोजिक एंड हयाक ये मानते हैं कि इक्वलिटी और लिबर्टी ये एक दूसरे के अगेंस्ट uh, हैं और ऐसा क्यों क्योंकि ऊपर भी हमने देखा था उन्होंने यही कहा था कि आप सभी लोगों को अगर इक्वल ट्रीट करेंगे तो आगे चल के वो फ्रीडम जो है फ्रीडम को ही लिबर्टी हम बोलते हैं तो आगे चल के वो फ्रीडम को प्रॉब्लम या उसके सामने ऑब्स्टेकल बन सकता है है ना तो ये जो लोग हैं जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट देखा था तो ये एक यहाँ पे दो व्यू हैं इक्वलिटी और लिबर्टी को लेके कि मीन्स एक टाइप के जो थिंकर हैं जैसे हमने जो बोला ये अभी ये मानते हैं कि इक्वलिटी एंड लिबर्टी आर नॉट इंटरडिपेंडेंट और क्यों इन्होंने ऐसा बोला इन्होंने यही बोला है कि अगर आप इक्वलिटी पे चलते जाते हैं तो आगे चल के फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं हार्ट होती है ठीक है और दूसरी तरफ जो दूसरे जो थिंकर हैं वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि इक्वलिटी एंड लिबर्टी जो है वो एसोसिएटेड हैं वो डिपेंडेंट हैं और यहाँ पे भी वो स्पेशली आपको दो ये पॉइंट समझने होंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का क्या मतलब होता है तो देखो आप एक, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव जो लिबर्टी है वो एसोसिएटेड किससे होती है द टर्म्स पॉजिटिव लिबर्टी इट मींस दैट द फ्रीडम या फ्रीडम टू फ्रीडम टू या सिंपल हम बात करें कि पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है अपने आप को डेवलप कराना अपना सेल्फ डेवलपमेंट कराना दूसरों देखो एक और सिंपल वे में समझो आप इसमें मुझे ज़रूर लग रहा है पज़ल होंगे तो आपको छोटा सा एक और तरीके से बताता हूँ नेगेटिव लिबर्टी वाले क्या कहते हैं कि दूसरे से फ्रीडम चाहते हैं वो फ्रीडम फ्रॉम द आउटसाइड है ना वो चाहते हैं कि सरकार उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे मान लो एक पर्सन है वो कह रहा है कि गवर्नमेंट भी इंटरफेयर ना करे फैमिली हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे मींस मान लो कोई आपका दोस्त है या आपकी ऐसी थिंकिंग आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर ना करे तो आप नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं अगर आपका सोच ये है कि नहीं मैं खुद का डेवलपमेंट करूं और मैं आगे बढूं मैं अपने गोल हैं उसको अचीव करूं मैं मेहनत करूं मीन्स सारा जो आपका फोकस है वो सेल्फ डेवलपमेंट पे है ठीक है तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल है तो यहाँ पर बात हमें समझनी होगी कि जो द थिंकर्स हु सपोर्ट द पॉजिटिव लिबर्टी उनके अकॉर्डिंग क्या मानना है वो मानते हैं कि लिबर्टी एंड द इक्वेलिटी आर इंटरडिपेंडेंट वो एक दूसरे को पूरक मानते हैं इंडिपेंडेंट मानते हैं ठीक है बट द थिंकर्स सपोर्ट द नेगेटिव लिबर्टी वो उनके अकॉर्डिंग क्या है इक्वेलिटी और लिबर्टी जो है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ पे जो दो व्यू आप लिखेंगे तो आपको अलग अलग इसमें लिखना होगा कि नेगेटिव लिबर्टी uh, के जो सपोर्टर हैं या हम सिंपल बात करें कि फ्राइड मैन नोजिक और हाया कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव ये जो समझ रहे हैं लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट वो नेगेटिव वे में समझ रहे हैं तभी ये इक्वेलिटी को ऑब्स्टेकल मान रहे हैं ठीक है ना दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर तो वो इन दोनों को बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट मानते हैं और वो कहते हैं कि दोनों जो हैं वो मिलके कम्प्लीटली एक इंसान का सेल्फ डेवलप सेल्फ uh, डेवलपमेंट कराते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा ही नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब आपको समझना होगा तभी आपको ये कॉन्सेप्ट लास्ट वाला टॉपिक समझ आएगा ठीक है तो ये है और एक छोटी सी चीज़ uh, कि नोट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारे नोट्स एक्चुअली देखो क्या हुआ है ना काफ़ी स्टूडेंट्स को जो मैंने नोट्स भेजे हैंड रिटर्न तो शायद मेरी लैंग्वेज लोगों को ना पसंद नहीं आई और मैं मानता भी हूँ ये कि मेरी लैंग्वेज सही नहीं है ठीक है मैं थोड़ा गंदा शायद मेरी राइटिंग है ठीक है तो मैंने उसको यही किया है कि मैं अपने हैंड रिटर जो नोट्स हैं उसको ई e बुक में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो जैसे ही मीन्स जो रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर जिनके भी मैसेज आ रहे हैं तो मैं बस यही कहूँगा कि मैं बहुत ही शॉर्ट बहुत ही टू द पॉइंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो बिल्कुल नोट्स होते हैं ठीक है वो प्रोवाइड करूँगा ई बुक में तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा मीन्स उस पर मैं काम स्टार्ट कर चुका हूँ ठीक है तो जैसे ही प्रॉपर एक सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड जो ई कोर्स मतलब बुक है मेरी जो पब्लिश होगी ठीक है और कंप्लीट होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा इन्फॉर्म करूंगा ठीक है सो थैंक यू सो मच खूब सारी मेहनत करें और बड़े सपने देखें और पेरेंट्स की और लड़कियों की रिस्पेक्ट जरूर करें थैंक यू सो मच